एक कल्पना जो वास्तविकता से बहुत दूर था। फ्रेडरिक सॉरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, उनके चार पेंटिंग का सीरीज जो उनके इस कल्पना को बयान करती है, जिसे वो कहते थे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उसमें से फर्स्ट पेंटिंग द पैक्ट बिटवीन नेशन, ये 1848 में यूरोप की कुछ कहानी बयान करती है। लोगों की आशाएं, लोगों की उमंगें कहीं ना कहीं उनके इस काल्पनिक यूटोपियन विजन से प्रभावित थी। यूटोपियन का मतलब कहे तो एक ऐसी सोच, सोसाइटी का एक ऐसा विजन जो इतना अच्छा हो, जो इतना आइडियल हो कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आखिर क्या था उस फर्स्ट पेंटिंग में, चलिए देखते हैं। The rise of nationalism in Europe. पेंटिंग में दिखाया गया है अमेरिका और यूरोप के लोग, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, हर सोशल क्लास के लोग एक लंबी कतार में चल रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली चीज है ये स्टैचू, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये लोग चलते चलते स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दे आर पेइंग देयर होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और क्लास 9 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम पढ़े थे कि लिबर्टी को एज फीमेल फिगर पर्सनिफाई करते थे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। उनके अधिकार का वर्णन लिखा है उसमें। और नीचे देखो, नीचे ग्राउंड पर गिरा है शैटर्ड, टूटे हुए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का प्रतीक। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, जहां पर गवर्नमेंट के पावर पर लगाम नहीं था, मनचाहे शासन, जो गवर्नमेंट बोल दे वो एब्सोल्यूट, उसका कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो इस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के प्रतीक को तोड़कर नीचे बिखराया गया है, ऐसे पोर्ट्रे किया गया है इस पेंटिंग में। सरयू के इस यूटोपियन विजन में लोगों को अलग अलग नेशन में ग्रुप किया गया है, जिसका एक कॉमन फ्लैग हो, जिन्हें उनके फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम में से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये प्रोसेस इनको लीड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो कि उस समय ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके थे। उनके पीछे स्टैचू तक पहुंचा है फ्रांस अपने रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग को लेकर। फ्रांस के पीछे है गोल्डन रेड ब्लैक कलर के फ्लैग में जर्मनी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली देखने वाली बात यह है कि 1848 में उस टाइम जर्मनी एज यूनाइटेड स्टेट था ही नहीं, पर ये जो फ्लैग वो लेकर जा रहे हैं ये सिंबोलाइज करता है एक उम्मीद को, एक होप को, कि डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज, यानी छोटे छोटे जर्मन स्पीकिंग किंगडम्स जिसे अलग अलग प्रिंस या किंग रूल कर रहे थे, उनको सबको एक साथ लाया जाएगा, एक ही नेशन स्टेट होगा जिसका एक ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। देन जर्मन्स के बाद हैं द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, फिर इटली के हैं द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, फिर उनके पीछे पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। और यहाँ पर ऊपर देखो जीसस क्राइस्ट और उनके एंजल्स को भी पोर्ट्रे किया गया है। ये किया गया है एज अ सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी, सारे नेशंस के बीच फ्रेंडशिप और गुड रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करने के लिए इसे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो ऐसे पॉलिटिकल यूटोपियन पेंटिंग का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जो इस सोच का कारण हो? यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स उभरता हुआ आया जो समग्र यूरोप में राजनीतिक और लोगों की मानसिकता को मूल भाव से बदल कर रख दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? मल्टी डिनेस्टिक रूलिंग से बदल कर एक नेशन स्टेट बना, एक नेशन स्टेट जहां पर लोगों में कॉमन पहचान हो, जो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हो। ये कॉमननेस, ये अपनापन, ये ऐसे ही नहीं आया, ये कभी था ही नहीं। इससे तो अपने लोगों की संघर्ष,
अपने लोगों की बलिदान और अकहीं वीरता से स्थापित किया गया था। उसे क्रिटिसाइज किया था। कहा उन्होंने कि नहीं, एक नेशन वो नहीं जो एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रेस, रिलीजियन या टेरिटोरी से बना हो, वो नहीं, बल्कि ये तो सर्वोच्च बलिदान, भक्ति और अगणित कोशिश का नतीजा है। A heroic past, great man glory, that is the social capital जिसके ऊपर ही national idea based हो। To have common glories in the past, to have common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition of being a people. A nation is therefore a large-scale solidarity. Iska astitva roj ka plebiscite hai. Plebiscite matlab ek direct vote, jahan par har ek nagrik ka opinion liya jata hai, kisi bhi proposal ko accept ya reject karne ke liye. To ye hai nation jo bana hai rakt se, veerta se, sangharsh aur balidan se. तो आगे की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाला है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत भारी शब्द है, इसका अर्थ समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक्सेलेंट टेक ऑफ, इग्नाइटिंग क्यूरियोसिटी।